नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वैकेंसी के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। यहाँ लगभग सभी ब्रांच के लिए वैकेंसी है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। ये आपकी PSU कंपनी है, अच्छी कंपनी है, फ्रेशर्स यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर सैलरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हम आगे के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो लें। जैसे ही आप इनकी ऑफिशियल साइट पर आएंगे, आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप देख सकते हैं करेंट ओपनिंग एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ GET, यानी ग्रेजुएट इंजीनियर्स ट्रेनी के लिए यहाँ पर पोस्ट है। आपको इस नोटिफिकेशन को ओपन करना है। तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ए गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा अंडरटेकिंग, ये रहा आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2022। आपका नोटिफिकेशन 28 जुलाई को पब्लिश किया गया है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट की। अगर हम बात करें आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो ये आपके 16 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, तो अभी टाइम है। अभी इनकी साइट पर जो है लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है। और आपकी जो है लास्ट डेट एप्लीकेशन फ़ीस की और आपके एप्लीकेशन की, वो 15/9/2022 रहने वाली है। और यहाँ पर कॉल लेटर्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो आपको डेट दी है, वो आपकी 30 सितंबर है। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट यहाँ पर 15 अक्टूबर दी है। यहाँ पर टेंटिव में करके दी है, ये चेंज भी हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर किस किस के लिए वैकेंसी है। GET इलेक्ट्रिकल्स, यानी ग्रेजुएट इंजीनियर्स ट्रेनी इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों के लिए। यहाँ पर वैकेंसीज को कैटेगरी वाइज बांटा गया है। इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर 30 पोस्टें हैं, सिविल के लिए 12, मैकेनिकल के लिए 2, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के लिए 3 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर 4 पोस्टें हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर आपसे BBTech के अलावा गेट स्कोर मांगा गया है 2022 का। अगर हम बात करें आपके पे स्केल की, तो यहाँ पर आपकी सैलरी जो है ट्रेनिंग पीरियड पे 28,000 रुपये प्रति मंथ रहने वाली है। जब आपका ट्रेनिंग पीरियड पूरा हो जाएगा, तब आपकी सैलरी 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये रहने वाली है। इनिशियल बेसिक पे आपका 56,100 रुपये रहने वाला है। अगर हम बात करें आपके ट्रेनिंग पीरियड की, तो आपका ट्रेनिंग पीरियड जो है 1 साल का रहने वाला है। और इसके साथ ही में यहाँ पर आपको सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी भरना है ट्रेनिंग पीरियड के दौरान और आपकी ट्रेनिंग पूरे होने के बाद। अगर हम बात करें आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगी गई है। करस्पोंडिंग गेट पेपर जो आपका 2022 का है और आपका पेपर कोड। और यहाँ पर ग्रेजुएट इंजीनियर्स ट्रेनी सिविल के लिए आपसे BBTech मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में। एटलीस्ट जो है आपके 60% मार्क होने चाहिए और SC/ST PWD के लिए यहाँ पर 50% मार्क होने चाहिए। अगर हम बात करें आपकी एज लिमिट की, तो यहाँ पर आपकी जो मिनिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 38 ईयर होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। एज का कट ऑफ आपका 1/7/2022 के हिसाब से काउंट होगा। और यहाँ पर अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस में आपको बता रखा है कि आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्राइटेरिया रखा है कि आपको लिखना, बोलना और जो है उड़िया भाषा समझना आना जरूरी है। और इसके साथ ही जो आपके मिडिल स्कूल के एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें आपकी उड़िया लैंग्वेज कंपलसरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अदर स्टेट वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पर ना तो कोई आपका एग्ज़ाम है और ना ही यहाँ पर आपका कोई पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। आपका गेट स्कोर है, उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। सेलेक्ट के बाद जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो जो भी दोस्त हमारे उड़ीसा से हैं या उड़ीसा भाषा का ज्ञान रखते हैं, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। आई होप ये पूरी जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।